नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। बिजनौर के थाना बाढ़ापुर क्षेत्र में शादी समारोह में डीजे पर डांस मना करने को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। दूल्हे के दोस्त अवैध तमंचे से फायरिंग करते हुए मौके पर कार छोड़कर फरार हो गए। लड़की पक्ष के लोगों ने शादी में फेरे लेने से इनकार कर दिया, जिससे दूल्हा बिना दुल्हन के ही वापस लौट गया। पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं हरदोई में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से जमीन पर पड़ा मरीज कराहता रहा। मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी वार्ड में जमीन पर मरीज पड़ा रहा। किसी अन्य मरीजों के परिजन ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदार मामले को लेकर मौन धारण किए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हरदोई गृह जिला है। वहीं बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग लॉकर काटकर उससे सोने और जेवरात निकाल लेते थे। इन्होंने तेलंगाना में बैंक लॉकर को काटकर 3 अलग अलग घटनाओं में लगभग 13 किलो सोना पिछले 2 सालों में चोरी कर लेकर आए थे। उक्त घटनाओं में फरार ये आरोपी चल रहे थे, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जनपद की एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से पुलिस मुठभेड़ कर 3 अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जहां पे इनके द्वारा चोरी की गई है। उत्तर प्रदेश में भी कई जनपदों में इनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनके पास से पुलिस ने 4 लाख रुपए, तमंचे तथा बाइक की रिकवरी की है। इस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कृत करने की भी घोषणा की गई है। अगली खबर झांसी के तहसील गरौठा की है, जहां पर दिन रात ओवरलोड ट्रक और डंपर धरल्ले से प्रशासन और पुलिस के सामने से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि मामला खनिज विभाग का है, इसलिए इसमें अहम भूमिका खनिज विभाग की होती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन लाचार साबित हो रहा है। वहीं कहा जाए तो शासन के निर्देशानुसार नदी में चलने वाले घाट बरसात के कारण 30 जून को बंद हो जाएंगे, जिस वजह से खनन माफिया आंधी के आमों की तरह अवैध तरीके से ओवरलोड और बंदर गाड़ियों पर काले पॉलिथीन लगाकर, ताकि खनिज विभाग के कैमरे से बच सके, राजस्व की चोरी कर लाखों रुपए का चूना लगा रहे हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। परंतु जिम्मेदार मौन है। वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि पुलिस के आगे ओवरलोड ट्रक किस तरह चल रहा है। वहीं प्रयागराज जिले के उतरगांव थाना क्षेत्र के एक युवक शौच करने गया, जिस पर अज्ञात युवक द्वारा चाकू से हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया गया। आपको बताते चले कि युवक शाम को घर से थोड़ी दूर शौच के लिए बाहर गया था। जैसे ही वो शौच करने बैठा, तभी एक अज्ञात युवक आया और पीछे से युवक को नशीला पदार्थ सूंघा कर बेहोश कर उसके ऊपर चाकू से कई वार किए, जिसके साथ ही उसके गुप्तांग में चाकू लग गया और गुप्तांग कट गया और वो बेहोश हो गया, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग गया। युवक ने बताया कि थोड़ी देर में होश आने पर खून से लथपथ चिल्लाता हुआ वो घर पहुंचा और अपनी आपबीती सुनाई। परिजनों ने आनन-फानन में उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। नमस्कार भाई, मेरा नाम राहुल कुमार है। घर कहाँ है? घर बोलपुर है। पिता का नाम? सनाब काशी प्रसाद। बगीचे में लैट्रिन करने गया था शाम 7 बजे। उसके बाद मैं शौच करके जैसे धुल के उठना चाहा, कोई पीछे से आया, मुझे कुछ सुना दिया, फिर मैं बेहोश हो गया। वहाँ से 500-700 मीटर दूर मुझे एकांत में ले जाकर मेरे पोते पर चाकू जैसे धार, ब्लेड जैसा धार, उस पर वार किया। वहीं पीलीभीत के अजीतपुर विला निवासी राजकुमार हरियाणा में मजदूरी करता था। वो अपने घर वापस लौटा था। देर शाम युवक अपनी बाइक से अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल जा रहा था, तभी किसी अज्ञात वाहन ने कसगंजा मोड़ पर बाइक को टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना की जानकारी लगने के बाद मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। जो एक्सीडेंट हुआ है, आपके भाई हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे भाई थे जो आज बाहर हरियाणा से आए हैं और आज मतलब अपने घर पे दिन भर रहे और आए थे 2-3 बजे के टाइम पे इन्होंने गाड़ी उठाई, बोले हम विदा कराने जा रहे हैं घरवानों से कह के, तो अचानक रास्ते में कसगंजे वाली मोड़ पे इनका एक्सीडेंट हुआ है, फिलहाल पता नहीं। तो अचानक इधर जब उन्हें 108 ला दिला इधर। वही फारुखाबाद नाबालिग बालिका से दुष्कर्म का वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल थाना मेरापुर के एक गांव निवासी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म कर आरोपियों ने उसका वीडियो बनाकर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने घटना में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोबाइल बरामद कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजय सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया है। दिनांक 26 इसी माह को एक थाना मेरापुर में तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें वादिया द्वारा बताया गया कि मेरी लड़की के साथ 2 नामजद अभियुक्तों के द्वारा गलत कार्य किया गया है। इस पर तत्काल FIR पंजीकृत किया गया था मेरापुर में। पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ महोदय द्वारा 3 टीमें बनाई गई, जिसमें सर्विलांस, SOG और थाने की टीम थी। तत्परता से कार्रवाई करते हुए दोनों नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जो माल था वो मोबाइल को बरामद किया गया है। वहीं हरदोई में महिलाओं ने बिजली उपकेंद्र पर हंगामा किया। बिजली न मिलने पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही लोगों ने लो वोल्टेज की समस्याओं को लेकर भी नाराजगी जताई, जिसको लेकर महिलाओं ने काफी देर तक पावर हाउस पर हंगामा किया। भैया, हम यह चुंगी पर रहने वाले हैं, जब से ये केबिल नहीं पड़े हैं, जब से हमारे लोगों ने प्रॉब्लम है, हमारे घर बत्ती नहीं आई रही, हम लोग बड़ा परेशान है गर्मी से रे। अब कतई जोड़ी जाए तो वो कतई पंखा धीमे धीमे आ जाए, 10 मिनट ना आए, जब से 8-10 दिन से पड़े हम लोग बहुत परेशान है गर्मी मारे, हमारे घर बत्ती ना आई रही। वहीं ललितपुर में CHC मेटर्निटी विंग अस्पताल का हाल बेहाल है। इस अस्पताल में टॉर्च की रोशनी और दिए के सहारे प्रसूताओं का इलाज हो रहा है। सरकार की तमाम स्वास्थ्य योजनाओं पर मैटरनिटी विंग अस्पताल पानी फेर रहा है। ग्रामीणों और तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल परिसर में चारों ओर गंदगी का अंबार है, जिससे पूरे अस्पताल में मच्छरों ने अपना आशियाना बना लिया है। प्रसूताओं और उनके परिजनों को मच्छरों से बचने के लिए खुद ही इंतजाम करने पड़ते हैं। इस मामले पर अधिकारियों से बात की गई, उन्होंने कैमरे के सामने आने से साफ इनकार कर दिया। मामला ललितपुर जिले के बार ब्लॉक का है। क्या नाम है आपका? कहाँ की हो? बगौरा। तो क्या परेशानी है आपको यहाँ पे? इधर कोई लाइट माइट कुछ नहीं है, पंखा चल गया था वो भी बंद कर दिया, के लाइट नहीं आ रही, बंद कर दिया था। और लेटरिन बाथरूम में कोई पानी नहीं है, बाहर से पानी लेके जाते लेटरिन, और कहना है न पलंग पर चादर बिछे, कुछ भी तो सुविधा है नहीं। कासगंज में SOG और थाना पुलिस को बड़ी सफलता लगी है, जहाँ पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई, गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाशों के पास से पुलिस को एक तमंचा, 3 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। गिरफ्तार बदमाश अंकित सोनी पर 9 मुकदमे दर्ज है। क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? आज दिनांक 29 जून 2023 में प्रभारी निरीक्षक सहावर और उनकी टीम को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि गांव सहमलपुर के आसपास कुछ बदमाशों का मूवमेंट है और कुछ घटना कार्य करने वाले हैं। इस सूचना पर उनके द्वारा प्रभारी निरीक्षक जो क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना दी गई, उसके साथ साथ अपने घेराबंदी की गई। मऊ में चिरैयाकोट थाना में तैनात दरोगा का घूस लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के CEO अजय विक्रम सिंह को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं CEO मोहम्मदाबाद की जांच में दरोगा द्वारा घूस लेने की घटना सही पाई गई है, जिसके बाद CEO की रिपोर्ट
के बाद पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने उक्त दरोगा को बर्खास्त कर दिया। दिनांक 24 जून 2023 को एक व्यक्ति ने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ के सीयूजी नंबर पर एक वीडियो भेजा, जिसमें एक एसआई द्वारा एक व्यक्ति से पैसे लिए जा रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस वीडियो की सत्यता की जांच मुझे सौंपी गई। जब मैंने इस वीडियो की जांच की तो ये मामला प्रकाश में आया कि थाना चिरैया कोर्ट में पंजीकृत मुकदमा संख्या 75/2023 धारा 323, 504, 506 और 34। वहीं कानपुर में फरियाद लेकर चौकी आई युवती से अश्लील चैट करने पर दरोगा को निलंबित कर दिया गया है। अश्लील चैट कर रहे दरोगा का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद दरोगा शुभम सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मामा के गायब होने की शिकायत लेकर युवती चौकी पहुंची थी। दरोगा शुभम सिंह ने युवती को अकेले घर पर आने का मैसेज किया था। आरोपी दरोगा गोविंद नगर थाना क्षेत्र के रतनलाल नगर चौकी में तैनात है। गोविंद नगर क्षेत्र के एक सब इंस्पेक्टर का एक चैट सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा एक महिला से अभद्रता से बात की जा रही है। इसमें प्रथम दृष्टया जांच से आरोपों की पुष्टि हो रही है, जिसकी वजह से प्रारंभिक जांच सब इंस्पेक्टर के अगेंस्ट की जा रही है और सब इंस्पेक्टर को DCP साउथ सेल के द्वारा सस्पेंड भी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कानपुर नगर पुलिस के द्वारा की जा रही है। वहीं कानपुर नगर के किदवई नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचकर प्रार्थना पत्र दिया और मोहल्ले के कुछ लोगों पर दबंगई करने और अपने घर का जबरन दीवार तोड़ने का आरोप लगाया है। महिला ने फरीखाबादी होटल के मालिक और उसके बेटे पर उनके घर पर जबरन कब्जा करने का भी आरोप लगाया है। ये है कि हम अकेले अपनी माता जी के साथ रहते हैं, ना पिताजी हैं ना भाई हैं। हम लोग 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये हमारा मकान खाली कराना चाहते हैं, मुसलमान की इस पर जबरदस्ती से मारपीट के मकान खाली करा लिया। अब आज हम लोग रहने घर में हमारी माता जी अकेले थी तो हम घर हमारा दरवाजा तोड़ रहे थे, हमारे मकान तोड़ रहे थे। जब हम लोग आए अचानक हमने वीडियो फोटो बनाने तो मारने की धमकी दे रहे हैं। जिलाधिकारी रमेश चंद अग्नोत्री। वहीं बांदा में भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। मामले को लेकर कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार बुलेरो खड्डे में घुस गई, जिससे यह हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू चलाकर कटर से काटकर लोगों को बाहर निकाला। घटना बबेरू थाना के बबेरू कमसिंह मार्ग की है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद कोहराम मच गया है। बबेरू कमसिंह रोड पर आज एक दुर्घटना हुई है, जिसमें कि खड़े ट्रक के पीछे एक बोलेरो जो कि काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रही थी, लगभग 120-130 की रफ्तार में जा रही थी, तो पीछे से उसने उसको टक्कर मार दी। बोलेरो में कोई 8 लोग सवार थे, जिनमें कि 5 लोगों की वही मौके पर मृत्यु हो गई। एक व्यक्ति CHC बबेरू में उसकी मृत्यु हुई और एक और व्यक्ति के भी यहाँ जिला अस्पताल में डेथ हो गई है, जो लेटेस्ट जानकारी मिली है। वहीं मैनपुरी के थाना बिछवा में परचून की दुकान पर दुकान की रखवाली कर रहे 70 साल के वृद्ध की एक पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपको बता दें कि थाना बिछवा क्षेत्र के ग्राम लाहरी पर निवासी हाकिम सिंह गांव में ही अपनी परचून की दुकान पर रखवाली के उद्देश्य से सो रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर ने उनकी ईंट और पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी और शव को चादर से उड़ाकर भाग गए। घटना की जानकारी परिजनों को उस समय हुई जब मृतक की पत्नी जसोदा उन्हें उठाने के लिए दुकान पर गई थी। मामले को लेकर पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना बिछवा के लाहौरीपुरा गाँव में एक वृद्ध है हाकिम सिंह, ये करीब उम्र 70 साल की, ये गांव के बाहर इनकी एक परचून की दुकान है, उसके बाहर तख्ते पर सो रहे थे तो रात में इनकी ईंट से सिर पे वार करके हत्या कर दी गई है, जिस पे उनके घर वालों से पूछताछ की जा रही है, तहरीर प्राप्त की जा रही है और हत्या के कारणों का सारा पता लगाया जा रहा है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है।
महोबा में कोतवाली श्रीनगर क्षेत्र के वरा नाले के पास तेज रफ्तार बाइक और साइकिल के बीच भीषण टक्कर के चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं गंभीर रूप से घायल साइकिल सवार को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। चिकित्सालय प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम कराते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई में 20 फीट गहरी खाई में ट्रक गिर गया। तेज रफ्तार के कारण ट्रक अनियंत्रित हो गया था। हादसा संडीला मालवा मार्ग पर सई नदी पुल के पास हुआ। हादसे में चालक परिचालक घायल हो गए। फिलहाल ट्रक निकालने की प्रयास जारी है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के शीतकाल गद्दी स्थल पर गोपीनाथ मंदिर के गर्भगृह में बारिश के दौरान जलभराव हो रहा है। वहीं मंदिर की दीवारें पर हल्की दरारें दिखाई दे रही हैं। वहीं मंदिर के पुजारियों का कहना है कि मंदिर दाईं ओर झुका हुआ प्रतीत हो रहा है, जिसको लेकर गोपेश्वर वासियों ने पुरातत्व विभाग से मंदिर की सुरक्षा की मांग की है। बता दें, गोपेश्वर में स्थित पौराणिक गोपीनाथ मंदिर का पुरातत्व विभाग ने संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में अधिग्रहण किया था, जिसके बाद पुरातत्व विभाग की ओर से मंदिर के रख रखाव का कार्य किया जा रहा था, जिसके बाद से यहां मंदिर परिसर में स्थित त्रिशूल की संरक्षण के नाम पे की गई सफाई के बाद भी जंग लग रहा था। वहीं अब बारिश के दौरान मंदिर के गर्भगृह में जलभराव और दीवारों पर दरारें देखने से श्रद्धालु मंदिर की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट वायरल हो रहा है। देखिए, गोपीनाथ जी मंदिर कुछ दिनों से चर्चाओं में, आपने देखा होगा ये 20 साल पहले जो पानी का रिसाव मंदिर के गर्भगृह में आता था, उसके लिए पुरातत्व विभाग ने ऊपर एक गुम्बद टीन का एक सेट बनाया था, जिससे कि पानी अंदर रिसाव ना हो। कुछ दिन पहले उसको क्षतिग्रस्त देखते ही पुरातत्व विभाग ने उसका पुनर्निर्माण करने के लिए उसे बाहर निकाला, और कुछ स्थानीय लोगों की नज़र में मंदिर थोड़ा झुका हुआ सा लगा, जो कि 20 साल पहले भी ऐसा ही था, लेकिन अभी वो ज़्यादा से दिख गया है। वहीं रुड़की तहसील का गांव बडेही राजपुताना में टंकी निर्माण स्थल पर जनप्रतिनिधियों सहित भारी मात्रा में ग्रामवासी पहुंचे। टंकी स्थल पर और सभी ग्रामवासी जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि वर्तमान ग्राम पंचायत प्रधानपति निजी कॉलोनी स्वामियों से साठ गांठ कर कॉलोनी में ग्राम पंचायत की टंकी से पानी पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिसके विरोध में काफी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और ग्राम प्रधान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। संभावित विभाग के अधिकारियों से बात भी की गई, लेकिन अधिकारी टाइम पर पहुंचे नहीं। वहीं हनवद में तेज बारिश के बाद ऊपरी नदी में हनवद ब्रह्मानी दो बांध में नए नीर का जलस्तर बढ़ गया है। नए नीर आने के बाद हलवद का ब्रह्मानी दो बांध 90% तक भर चुका है। इसके लिए सिस्टम को चेतावनी देते हुए अलर्ट किया गया है। ब्रह्मानी दो बांध का एक गेट आधा फीट खोला गया। इसके लिए आसपास के 9 गांव के लोगों को उच्च स्थान पर जाने के निर्देश प्रशासन द्वारा दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वाले इंडिया।